नीतीआई चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। मैं इंट्रोडक्शन में जो है आपको शुरुआत में कुछ कुछ बातें दी हुई है, ठीक है, किससे रिलेटेड थोड़ा बहुत दिया हुआ है, न्यूक्लियस के साइज वगैरह से रिलेटेड, ठीक है। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने देखा था कि जो न्यूक्लियस की जो साइज होती है, ठीक है, और एटम की जो साइज होती है उसमें, है ना, कितना टाइम्स होता है न्यूक्लियस का साइज एटम के साइज से, याद है आपको? ये अगर न्यूक्लियस का रेडियस है, ठीक है, तो एटम का रेडियस कितना होता है, कितना टाइम्स, 10^4 to 10^5 टाइम्स। मैंने पता पिछली क्लास में पढ़ाया था, ठीक है, कि न्यूक्लियस जो होता है लगभग 1 लाख गुना छोटा होता है एटम्स से, ठीक है। हरी बात समझ में? तो अब अगर हमको रेडियस मालूम है, रेडियस 10^4 टाइम्स हम लोग मान लेते हैं, 5 छोड़ देते हैं, तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम इसका फार्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, और वॉल्यूम ऑफ स्फेयर याद है किसी को? वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, आप लोग की मैथ्स इतनी स्ट्रांग क्यों है? 4/3 πr³ सर। हाँ, आप लोग मैक्सिमा मिनिमा चैप्टर मैथ्स में पढ़े हैं ना, उसमें तो यही सब पूरा पूरा आता है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। फिर ये सब नहीं जानते फिर आप क्या पढ़ रहे हैं? फिर आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स है, उसमें भी ये सब कहीं कहीं यूज हो जाता है। फिर आपका चैप्टर 6 में एक और है, वो चैप्टर एक्सरसाइज 6.1, उसमें भी ये दिया हुआ है। तो ये सब आपको मालूम होना चाहिए, 4/3 πr³, ठीक। तो अब अगर हम इसमें, ठीक है, रेडियस को क्या कर दें, है ना, 10^4 कर दें और पावर में 3 कर दें, है ना, तो आप समझ सकते हैं कि ये पावर 3 है, तो पावर के ऊपर पावर होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि 10^12 हो गया, ठीक है। समझ में आ रही बात? कि जो वॉल्यूम ऑफ जो एटम है वो 10^12 टाइम्स भी वॉल्यूम ऑफ, देखिए इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 10^4/3 πr³, ठीक है, लेकिन इसका जो रेडियस हो जाएगा 4/3 π ✕ r की जगह पे 10^4 टाइम्स हो जाएगा ना उसका। ये देखिए 10^4/3 πr³ ✕ 10^12 हो जाएगा ये, नहीं? तो आप समझ सकते हैं इस बात से कि जो वॉल्यूम ऑफ जो एटम होगा दैट विल बी 10^12 टाइम्स दी वॉल्यूम ऑफ दी 10^12 टाइम्स दी वॉल्यूम ऑफ दी न्यूक्लियस। समझ आया सबको? ये नहीं आया, अरे बोलो। आगे अब देखिए इसमें क्या है कि आप जस्ट इमेजिन कीजिए, ये 10^4 10^12, तो इसका मतलब 10^8 टाइम्स जो है ये खाली जगह है, बिकॉज ओनली न्यूक्लियस के अंदर में जो है चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, बाकी स्पेस जो होता है खाली होता है। तो आप देखिए रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, यहाँ से भी आपको जो है पता चल रहा है कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी। समझ आया सबको? समझ आया सबको? यस यस ठीक है, चलिए। अब यही लिखा हुआ है इसमें, 10^-12 टाइम्स दी वॉल्यूम ऑफ एटम, न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम होगा 10^-12 टाइम्स दी वॉल्यूम ऑफ एटम, एंड एटम इज ऑलमोस्ट एम्प्टी, ठीक है। तो इसको आप जैसे कंपेयर किया हुआ है कैसे, कि अगर पूरी क्लास के साइज को, क्लासरूम की जो साइज है उसको अगर एटम बना दें, तो उस क्लासरूम में एक छोटा सा पिन का जो हेड है, ठीक है, छोटे से पिन का हेड, आप समझ गए ना, वो है आपका न्यूक्लियस। सोचिए तो पूरी क्लासरूम को एक पिन हेड से कंपेयर करना है, तो ये हो गया आपको एटम और न्यूक्लियस में कंपेरिजन। मीन्स न्यूक्लियस कंटेन्स मोस्ट, यानी कि 99.99% ऑफ द मास ऑफ द एटम, यानी कि पूरे, है ना, जो क्या बोलते हैं, एटम का जो मास होता है वो मोस्ट ऑफ द मास, 99.9% मास जो है न्यूक्लियस के अंदर में होता है, बाकी ये इसका जो मास नेग्लिजिबल होता है, ठीक है।
तो अब हम लोग इसमें आगे के बारे में पढ़ेंगे। न्यूक्लियस का कुछ स्ट्रक्चर होता है, जैसे एटम का होता है उसी तरह से, ठीक है, न्यूक्लियस का कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है, ठीक है, ये सब के बारे में हम लोग आगे पढ़ने जाते हैं। न्यू स्टेब साइज मास एंड स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। तो द नेक्स्ट टॉपिक कम्स एटॉमिक मासेस एंड कॉम्पोजिशन ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। देखिए ये सब आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं कल, मतलब मेरे को पता चला कि ये सब चीज़ आपने सर ने आपको और अच्छे से डिटेल में पढ़ा रखा है 11th क्लास में, ठीक है। फिर भी मेरे को मेरे सिलेबस में तो मुझे कराना होगा। द मास ऑफ एन एटम इज़ वेरी स्मॉल, ठीक है। ये किसी भी एटम का मास को जब मेजर किया गया तो ये देखा गया, जैसे सपोज कार्बन 12 के मास को देखा कि 1.99926 47 × 10⁻²⁶ kg आया, ठीक है। कार्बन कार्बन जानते हैं आप लोग, कार्बन आइसोटोप होते हैं, सी कार्बन 12 होता है, कार्बन 14 होता है, 13 भी होता है, ठीक है। तो ये सब कार्बन के आइसोटोप्स हैं, ठीक है। तो इसका जब मास मेजर किया गया तो उसने उन लोगों ने देखा कि दिस इज 10⁻²⁶ kg के ऑर्डर में आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये समझ में आ जाता है कि आप इसी के रीजन में, इसी के आसपास बाकी सारे एलिमेंट्स का भी मास इसी टाइप में होगा, 10⁻²⁶ kg। अब ऐसा कौन सा वो बैलेंस है, तराजू है, जो इस तरह के मास को मेजर कर सके। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट, या इट इज नॉट अ कन्वीनियंट यूनिट टू मेजर द मास, है ना। मास को केजी में हम लोग डिनोट नहीं करके एक अलग यूनिट बनाएंगे, ठीक है। तो कन्वीनियंट यूनिट केजी नहीं है, इसलिए अलग यूनिट हम लोगों ने बना दिया, उसको हम लोग बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट, जिसको यू से डिनोट करते हैं। एंड एटॉमिक मास यूनिट जो होता है, दैट इज 1/12 द मास ऑफ कार्बन एटम। अभी हमने देखा कार्बन एटम का मास इतना होता है, उसमें हमने क्या किया, 12 से डिवाइड कर दिया। 12 से डिवाइड करने के बाद ये वैल्यू आ जाती है 1.66050539 × 10⁻²⁷ kg। इसी मास को, इसको बोला 1 एटॉमिक मास यूनिट। अब बाकी सारे एलिमेंट्स को इसी के मल्टीपल में जो है एटॉमिक मास यूनिट हो जाएगा, 1U, 2U, 5U, 10U, 11U, 23U, ठीक है, ऐसे करके, या फ्रैक्शन में भी हो सकता है, ठीक है। तो एक स्टैंडर्ड यूनिट बना गया जो एटम्स को के मास को कैलकुलेट करने के लिए, दैट इज एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। ये बात समझ में आ गई सबको। और ये जो मास है लगभग लगभग हाइड्रोजन के मास के बराबर आ जाता है, ठीक है। इसी सॉरी इसी को हम हाइड्रोजन के मास के बराबर आ जाता है, और इसलिए इसको बोला कि मास ऑफ हाइड्रोजन इतना है, क्लोज टू बीइंग इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। जितने भी एलिमेंट्स हैं इसको बोल दिया कि मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, और बाकी के सारे एलिमेंट्स का जो मास होगा इसी के इंटीग्रल मल्टीपल में होगा, ठीक है। अभी बोला गया इंटीग्रल मल्टीपल, बट किसी किसी में फ्रैक्शन में भी हो जाता है, ठीक है। जैसे जहाँ पर हम लोग एवरेज एटॉमिक मास की बात करते हैं, जैसे आप लोगों ने क्लोरीन क्लोरीन का सुना होगा, ठीक है। क्लोरीन के आइसोटोप होता है, आइसोटोप आप लोगों को मालूम है या नहीं है। आइसो का मतलब होता है सेम, और टोपोज का मतलब होता है पोजिशन। तो जब पीरियोडिक टेबल में जिसका पोजिशन सेम हो, इसका मतलब है कि उनका एटॉमिक नंबर सेम होगा, और मास नंबर क्या होगा, एटॉमिक नंबर क्या होगा, सेम होगा, और मास नंबर डिफरेंट होगा, ठीक है। समझ रहे हैं सब कोई इस बात को। तो इसको बोला जाता है आइसोटोप्स, आइसोटोप्स का मतलब होता है सेम प्लेस, ठीक है, मीन्स दे अकर इन द सेम प्लेस इन पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स, ठीक। तो कोई भी एक एलिमेंट है, आपको मैं आज बता देता हूँ, आपको मालूम है कितने आइसोटोप्स हैं प्रेजेंट अभी टोटल हमारे मतलब यूनिवर्स में, या जो भी है आपका वर्ल्ड में या अर्थ पे, कितने आइसोटोप्स हैं बता सकते हैं आप लोग टोटल? किसी को नहीं मालूम है, अंदाजा लगाइए, लगभग 1,000 से कम होंगे या ज्यादा होंगे? ज्यादा कम ज्यादा, इट इज मोर देन 2,500 आइसोटोप्स प्रेजेंटली, ठीक है।
और हर एक एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट है ना, सबका कुछ ना कुछ आइसोटोप होता है। आप सोच सकते हैं जो सबसे पहला एलिमेंट है आपका हाइड्रोजन, उसके भी तीन आइसोटोप होते हैं। हाइड्रोजन के भी तीन आइसोटोप्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं मालूम ही होगा। एक तो हाइड्रोजन खुद है, दूसरा होता है ड्यूटेरियम और तीसरा होता है ट्राइटियम। ठीक है, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। ठीक है, तो ये तीन आइसोटोप्स तो हाइड्रोजन के होते हैं। तो हर एक एलिमेंट का आइसोटोप होता है। अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के इसी चैप्टर में, गोल्ड नाम का एक एलिमेंट है, ठीक है, इसके 32 आइसोटोप्स होते हैं। ठीक है, किसी का माइक ऑफ है, ऑफ ऑन है, ऑफ कर लीजिए। माइक किसका ऑन है, कहाँ से डिस्टर्बेंस आ रही है? श्याम जी, श्याम जी माइक ऑफ करो। कहाँ से आ रही है आवाज? ठीक है, सो द आइसोटोप्स जो होते हैं, ठीक, तो ये क्या है, क्या बोलते हैं इसको, अकेरियन चेंबर। हाँ, ये सब हो गया। तो क्लोरीन एक ऐसा एलिमेंट है जिसका कि जो मास होता है वो एवरेज एटॉमिक मास होता है, और वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ यू के बराबर नहीं होता है। ठीक है, तो क्योंकि कारण ये है कि जो क्लोरीन के जो आइसोटोप्स होते हैं, मेनली दो आइसोटोप है, ठीक है, एक 35 जिसका मास नंबर होता है, जिसको 34.98, और दूसरे का मास नंबर 37, जिसको एग्जैक्ट वैल्यू 36.98। तो जो मास है 34.98, इसका जो परसेंटेज है एटमॉस्फेयर में वो 75.4% होता है। ठीक है, तो 35 वाले का परसेंटेज कितना, 75.4%, और 37 वाला जो मास है उसका है 24.6। आप बस इतना ध्यान रखिए इसको शॉर्टकट में याद रखने के लिए, कि जो 35 मास वाला है उसकी परसेंटेज ज़्यादा होती है, कितनी, 75%, और जो 37 मास वाला है इसकी परसेंटेज कम होती है, कितना, 25%। ठीक है, तो एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और 100 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये आपका आ जाता है एवरेज एटॉमिक मास क्लोरीन का 35.47। ठीक है, जिसको हम लोग लिखते हैं 35.5 एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। ठीक है, अगली बात समझ में सबको इतना? सर एक बार फिर से बताओ ना। क्या आवाज में प्रॉब्लम हो रही है? क्या आवाज क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है? क्लियर आ रही है, एक बार बताओ और बता दो। ठीक है, ठीक है, ओके। देखिए, हाँ, ये पेपर में जनरली ये सब नहीं आता है क्योंकि 9th क्लास की चीजें हैं। ठीक है, देखिए, एवरेज एटॉमिक मास होता है। एवरेज एटॉमिक मास क्या है कि कोई भी एक ऐसा एलिमेंट, ठीक है, जिसके जिसके दो आइसोटोप या दो से अधिक आइसोटोप्स हैं, तो उसकी कुछ एटमोसफेयर में परसेंटेज होती है। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन का दो होता है, एक 35, एक 37। ठीक है, क्लोरीन 35 और 37, इसके दो मास नंबर होता है, एटॉमिक नंबर तो सेम होता है इसका। तो 35 वाला, इसका मास नंबर कम है, तो इसका याद रखना आपको, इसकी परसेंटेज ज़्यादा पाई जाती है अर्थ क्रस्ट में, 75% होती है। और 37 जिसका मास ज़्यादा है, इसकी परसेंटेज कम होती है। ये 75% रहती है, कितना होगा, 25% है। ठीक है, तो बस इसके मास में इसके परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर देना है। तो मैं 75 बोला था, 75.4 है, 35 बोला तो 34.98 है, इतना तो समझ जाएंगे आप लोग। तो बस क्या करना है, इन दोनों को परसेंटेज से मल्टीप्लाई करके सम कर दीजिए, और परसेंटेज यानी कि 100 से डिवाइड कर देंगे तो आपका एवरेज एटॉमिक मास निकल जाएगा। किसका, क्लोरीन का। तो किसी भी एलिमेंट का अगर आपको एवरेज एटॉमिक मास पेपर में आता है, तो आप बस आपको दोनों का मास दिया रहेगा, परसेंटेज दिया रहेगा, आप 100 से डिवाइड कर दीजिए, खत्म बात। हो सकता है कि जैसे कोई एक एलिमेंट है जिसके तीन आइसोटोप होंगे, तो तीनों का परसेंटेज दिया रहेगा, उनका सम करके 100 से डिवाइड कर देंगे, एवरेज एटॉमिक मास निकल जाएगा। लेकिन यहाँ आप देखिए, ये इंटीग्रल मल्टीपल में नहीं है, जबकि रूल क्या कहता है कि जो एटॉमिक वन एटॉमिक मास यूनिट आया उसके इंटीग्रल मल्टीपल में आएंगे सबके। देखिए, है ना, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एटॉमिक मास यूनिट ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, लेकिन क्लोरीन में ऐसा नहीं होता, और ऐसे और भी एलिमेंट्स हैं जिसमें ये ऐसा नहीं होता है। ठीक है, क्लियर हो गया इतना सबको? कोई प्रॉब्लम किसी को इतना तक में? नो सर।
चलिए ठीक है, ओके। अब हम लोग थोड़ा सा इससे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, ये देखिए, जैसे एटॉमिक मास दे, इसका आइसोटोप का मास दे रखा तीनों, हाइड्रोजन के आइसोटोप का मास, हाइड्रोजन का, ड्यूटेरियम का और ट्राइटियम का, और सबकी परसेंटेज जो है इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एवरेज एटॉमिक मास निकल जाएगा, ठीक है। अब इसमें न्यूक्लियस की इतनी हुई कॉल्ड द प्रोटॉन, ठीक है। इसमें न्यूक्लियस ऑफ द लाइटेस्ट एटम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, विच इज रिलेटिव एबंडेंस ऑफ दिस इज कॉल्ड द प्रोटॉन। प्रोटॉन का जो है एबंडेंस इतना होता है, ठीक है। और एक मास ऑफ, ये वैल्यू आपको थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। वैसे तो आप जब बोर्ड एग्जाम देंगे तो ये वैल्यू आपको पेपर में, क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ रहता है, लेकिन आप ये सब चीज़ याद रखिए, जो डिजिट्स है ना, तो ज़्यादा अच्छा रहता है, न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व करने में बार बार देखना नहीं पड़ता। सिंपल है, मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1.00727, कुछ याद रखने लायक नहीं है। 0.1.00727 ये हो गया एटॉमिक मास यूनिट, और केजी में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाता है 1.67262, ठीक है, 67262 × 10^-27 kg, ठीक है। तो ये मास ऑफ प्रोटॉन है, याद रखना है इसको। मास ऑफ प्रोटॉन होता क्या है, न्यूक्लियस होता है किसका, हाइड्रोजन एटम का, क्योंकि हम लोग जानते हैं हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो 1 होता है और एटॉमिक नंबर भी 1 होता है, तो यानी कि इसके पास में प्रोटॉन कितने होंगे, 1 होंगे, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 1 होंगे, ठीक है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन 1 1 होगा, तो इलेक्ट्रॉन को अगर आप हटा देंगे तो उसमें सिर्फ क्या बच जाएगा, न्यूक्लियस। तो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस को ही प्रोटॉन बोलते हैं, क्योंकि जिससे से इसका इलेक्ट्रॉन हट जाएगा तो सिर्फ एक प्रोटॉन बचेगा, तो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस को प्रोटॉन बोलते हैं। क्लियर है इतना, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो हाइड्रोजन एटम का मास कितने के बराबर होगा, पूरे एटम के मास में से आप इलेक्ट्रॉन के मास को हटा दीजिए तो न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं, छोटी छोटी सी, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, पूछा नहीं जाएगा पेपर में, बस समझने की बात थी। इसमें एक बात है जो आपसे कोई कोई पूछ लेता है, ठीक है, बदमाश टाइप के लोग, मेरे टाइप के लोग, ट्राइटियम के बारे में, ठीक है। ट्राइटियम जो इसका जो थर्ड वाला जो आइसोटोप है ये अनस्टेबल होता है, ठीक है। तो हो सकता है आपको ये पूछ देगा कि अकरेंस, इसका अकर कैसे होता है, नेचुरली अकर करता है या आर्टिफिशियली बनाया जाता है। तो जो ट्राइटियम है ये नेचुरली अकर नहीं करता है, इट इज प्रोड्यूस्ड आर्टिफिशियली इन लेबोरेटरीज, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये अनस्टेबल होता है, ठीक है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एमसीक्यू टाइप में कि हाइड्रोजन का कौन सा आइसोटोप है जो अनस्टेबल होता है, जिसको हम लोग आर्टिफिशियली लैब में बनाया जा सकता है, या फिर आपको सिंपली सीधा ही पूछ देगा नेम एन आइसोटोप, है ना, विच इज प्रोड्यूस्ड आई आर्टिफिशियली इन लेबोरेटरीज, तो आपको आंसर सीधा यहाँ से दिख जाएगा। क्लियर है सबको, इतना बोलिए, उसके बाद फिर इस लास्ट वाले पैराग्राफ में क्या दिया हुआ है, पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो न्यूक्लियस में होता है और वो प्रोटॉन होता है, और प्रोटॉन के पास अभी हमने देखा फंडामेंटल चार्ज +1 होता है, और प्रोटॉन स्टेबल होता है, फ्री प्रोटॉन स्टेबल नहीं होता है, फ्री प्रोटॉन स्टेबल नहीं, न्यूक्लियस के अंदर वाला प्रोटॉन स्टेबल होता है, ठीक है। पुराने जमाने में ये सोचा जाता था कि जो न्यूक्लियस है उसमें प्रोटॉन के अलावा इलेक्ट्रॉन भी होता है, लेकिन बाद में उसको रूल आउट कर दिया गया, बोला नहीं, क्वांटम थ्योरी ये कहता है कि अंदर में, न्यूक्लियस के अंदर में सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन उसके बाहर चक्कर लगाता रहता है, ठीक है। और जो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उसी को उसका एटॉमिक नंबर बोला जाता है, उसको जेड से डिनोट करते हैं, और जो टोटल चार्ज होता है न्यूट्रॉन का, जेड ई हो गया माइनस टाइम्स, क्योंकि चार्ज नेगेटिव होता है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पे, और एटम न्यूट्रल होता है, इसका मतलब है कि चार्ज ऑफ न्यूक्लियस जो होगा +ZE होगा, यानी कि जितने प्रोटॉन हैं उतने इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, ये चीज़ बोला गया, यहाँ तक में कुछ ऐसी खास बात नहीं है। नेक्स्ट बात आती है अच्छी चीज, दिस इज डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। तो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन कैसे हुआ, हम जानते हैं रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जब हुआ था तो उसमें न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई थी, लेकिन बाद में जो है लोगों ने बहुत रिसर्च किया, ठीक है, उसने ये तो बता दिया न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर में पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, ठीक
ठीक है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बोला कि न्यूक्लियस में पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल के अलावा कोई और भी होता है, ठीक है। तो क्या हुआ कि एक्चुअली में उसको जो एटम्स के वेट है, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, न्यूक्लियस का जो वेट है, मास है, उसको जो है मेजर किया गया, ठीक है। तो क्या हुआ उसमें कुछ प्रॉब्लम आई, कैसे कि जैसे सपोज मान लीजिए हाइड्रोजन के आइसोटोप्स को ले लेते हैं, ठीक है, तीन आइसोटोप, एक हो गया हाइड्रोजन खुद, दूसरा हो गया ड्यूटेरियम और तीसरा हो गया ट्राइटियम, ठीक है। अब जब हम इसके न्यूक्लियस की बात करते हैं, ठीक है, तो इसका सबके पास में इसका एटॉमिक नंबर सबका क्या है, वन, इसका एटॉमिक नंबर वन, मास नंबर टू, इसका एटॉमिक नंबर वन, मास नंबर थ्री, ठीक है, समझ गए। अब देखिए ध्यान से सोचने वाली बात है कि इसके जो है सबके स्ट्रक्चर ये है, क्या किया गया, इन तीनों का न्यूक्लियस को जो है के मास को वो किया गया, मेजर किया गया, तीनों के न्यूक्लियस के मास को मेजर किया गया, ठीक है, समझ रहे हैं बात। तीनों के मास को जब मेजर किया गया तो हम जानते हैं हाइड्रोजन का मास नंबर कितना होता है, वन होता है, तो वन एटॉमिक मास यूनिट। तो जब तीनों के मास को मेजर किया गया तो सबका मास सेम आना चाहिए, क्योंकि सबके पास में एक एक प्रोटोन है या नहीं, समझिए इस बात को मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अभी तक चर्चा में ये है कि न्यूक्लियस के अंदर में सिर्फ प्रोटॉन होता है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, तो जो भी मास होगा न्यूक्लियस का वो प्रोटॉन के मास के बराबर होगा, ठीक। तो जब न्यूक्लियस, इन तीनों के न्यूक्लियस को मेजर किया गया तो एक्चुअल में तीनों का मास सेम आना चाहिए, क्योंकि एक ही एटम है, हाइड्रोजन एटम है, उसी का मास है सारा, ठीक है। तो ऐसा देखा गया कि इनका जो मास है वो 1:2:3 में आया, ठीक है। इससे क्या पता चलता है, समझने वाली बात है, इससे ये पता चल रहा है कि न्यूक्लियस के अंदर में अगर प्रोटॉन ही होता सिर्फ, तब जा तो इसका मास सेम आता, अगर अलग अलग आ रहा है इसका मतलब है कि न्यूक्लियस के अंदर में प्रोटॉन के अलावा और कुछ ना कुछ एक अलग टाइप ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट है। समझ नहीं आया किसी को? हाँ जी सर, ठीक है, ओके। तो इतना आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि इसके अंदर में, न्यूक्लियस के अंदर में प्रोटॉन के अलावा और कुछ है, ठीक है। अब फिर इसी को एक्सपेरिमेंट, इसी को जांच करने के लिए, ठीक है, जेम्स चैडविक नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने 1932 में एक ऑब्जर्वेशन किया। कैसे? उसने अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डिंग कराई, ठीक है, इसके ऊपर में, बेरिलियम के न्यूक्लियस के ऊपर में, ठीक है, न्यूक्लियस का, बेरिलियम का एक न्यूक्लियस लिया, ठीक है, इसके ऊपर में अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग करा दी, ठीक है। तो हम अल्फा पार्टिकल की जब बम्बार्डिंग कराई तो इसने ये देखा कि यहाँ से जो है ना कुछ इसके न्यूक्लियस से रेडिएशंस निकल रहे हैं, और ये रेडिएशंस जो है वो न्यूट्रल है, ना वो कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, ठीक है। तो इन लोगों को ये समझ में आ गया, अच्छा यहाँ पर जो है प्रोटॉन के अलावा कोई एक न्यूट्रल पार्टिकल भी प्रेजेंट है, ठीक है। अब उस टाइम पे 1932 में ये मालूम था कि है ना, ये जो फोटोन नाम का एक ऐसा पार्टिकल होता है, ठीक है, जब कभी भी इसकी जो रेज निकलती है, फोटोन की जो रेज निकलती है यहाँ से, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में, ठीक है, वो रेज जो है इनका जो रेडिएशन होता है वो न्यूट्रल होता है। तो उन लोगों को ऐसा लगा कि इसके न्यूक्लियस के अंदर में प्रोटॉन के अलावा फोटोन भी प्रेजेंट है, ठीक है। फिर बाद में लोग सोचते सोचते जेम्स चैडविक ने जो है उसको बोला कि देखिए, अब उसने क्या किया, इस फोटोन की ये जो रेडिएशंस निकल रहे थे ना, उसकी एनर्जी को कैलकुलेट किया, ठीक है। और अब हम लोग जानते हैं कि एनर्जी ऑफ फोटोन बहुत ज़्यादा होता है, बिकॉज फ्रिक्वेंसी जो होती है उसकी एमिशन की बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, फ्रिक्वेंसी ऑफ एमिटेड फोटोन जो है ज़्यादा होती है। इसने देखा कि
जो ये जो एनर्जी रेडिएट हो रही है ना, न्यूट्रल पार्टिकल्स, न्यूट्रल का जो न्यूट्रल रेडिएशन जो रहा, उसकी जो एनर्जी है, ठीक है, वो क्या है कि बहुत कम है। तो उन्होंने देखा कि अगर ये फोटोन होता तो फोटोन की एनर्जी इतनी ज्यादा होती है, तो यहाँ पर भी जो रेडिएशन निकल रहे हैं उसकी एनर्जी ज्यादा होती है, ठीक है। तो एनर्जी के बेस पे उसने आइडिया लगाया कि देखो यहाँ से जो पार्टिकल्स निकल रहे हैं, ठीक है, वो फोटोन नहीं है, क्योंकि इन रेडिएशंस की जो है एनर्जी बहुत कम है, फोटोन तो नहीं हो सकता, तो इसका मतलब कुछ और है। तो उसने एक नए पार्टिकल का नाम दे दिया, जेम्स चैडविक ने बोला कि देखिए ये फोटोन नहीं है, प्रोटॉन के अलावा एक और न्यूट्रल पार्टिकल है, उसको हम एक नए पार्टिकल की तरह, जिसकी एनर्जी कम होती है एज कम्पेयर टू फोटोन, तो इसका नाम दे दिया यहाँ से न्यूट्रॉन। तो इस तरह से डिस्कवरी हो गई न्यूट्रॉन की, जेम्स चैडविक के द्वारा। आई बात समझ में सबको, कि नहीं आई? ठीक हाँ जी हाँ है। तो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया किस पे? बेरिलियम के न्यूक्लियस पे। उससे आइडियाज लगाए गए, कुछ गलत कुछ सही, और फाइनली उसको जेम्स चैडविक ने कंक्लूड करके बता दिया कि जो न्यूट्रल रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ न्यू टाइप ऑफ न्यूट्रल पार्टिकल्स कॉल्ड न्यूट्रॉन्स, ठीक है, और फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम ही वॉज एबल टू डिटरमाइन द मास ऑफ न्यू पार्टिकल, दैट इज मास ऑफ, है ना, न्यू पार्टिकल यानी कि मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन का जो है, जैसे उसमें क्या हुआ कि रिएक्शंस वगैरह कराए होंगे उसने, ठीक है, फिर देखा उन्होंने ये देखा कि जो मास ऑफ प्रोटॉन है वो मास ऑफ न्यूट्रॉन दोनों आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। किस बेसिस पे उसने किया, कैसे ये कंक्लूड किया? ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम, ठीक है, ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यहाँ से बराबर कहे जाने लग गए, ठीक है। तो मास ऑफ न्यूट्रॉन आपका प्रोटॉन से थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, कितना? 1.00866, ये हो गया 1.6749 × 10²⁻²⁷ kg, लगभग लगभग बराबर है प्रोटॉन के मास के, ठीक है। और इसी बात पर बेचारे को, ठीक है, नोबेल प्राइज मिल गई फिजिक्स में 1935 में, ठीक है, 32 में किया और 3 साल के बाद उसको नोबेल प्राइज मिल गया फॉर द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। और ये कहा गया कि एक जो फ्री न्यूट्रॉन होता है बहुत ही अनस्टेबल होता है, लेकिन ये जब न्यूक्लियस के अंदर में होता है तो वो स्टेबल होता है, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्टेबल होता है कब? न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। एंड इट दिस न्यूट्रॉन डिकेज इंटू प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रिनो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर आप एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ेंगे तो ये सब क्वेश्चन आप बोर्ड एग्जाम में मिस करेंगे, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए डायरेक्टली खाली ये सब बकवास करने से नहीं होता, लेक्चर देने से नहीं होता, आपको याद भी करवाना है, ये सब बताना है कहाँ क्या छुपा हुआ है। तो एक न्यूट्रॉन टूटता है, टूट के एक प्रोटॉन बनता है, एक इलेक्ट्रॉन बनता है और एक एंटी न्यूट्रिनो बनता है, जिसके बारे में हम लोग अब नहीं पढ़ेंगे क्योंकि सिलेबस में है नहीं, ठीक है, पहले था, है ना, तो उसमें हम लोग पढ़ते थे। इस बार जो है रेडियो एक्टिविटी वाला पोर्शन हटा दिया गया सिलेबस से, इसलिए अभी नहीं करना है इसको, ठीक है। तो फिर भी देखेंगे हम लोग। तो एंटी न्यूट्रिनो बस आप समझिए, एक न्यूट्रल पार्टिकल होता है, न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है। बीटा डीके में ये आता था, बीटा डीके का कन्वर्जन होता था उसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन का। अभी फिलहाल आपको बस याद रखिए, न्यूट्रॉन जब डिवाइड होता है तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रिनो में, इसको याद रखिए तो दिमाग में अच्छे से, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से आपको ये समझ में आ गया कि न्यूक्लियस के अंदर में दो चीज़ें हैं, एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है, इसलिए जो किसी भी जो एटम का जो मास होगा, ठीक है, वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। तो इलेक्ट्रॉन को हम क्या करते हैं, नेग्लिजिबल मानते हैं मास में, क्योंकि वो लगभग 2000 गुना छोटा होता है मास उसका। तो इसलिए क्या किया जाता है कि हम लोग जो मास नंबर, दैट इज इक्वल टू जेड प्लस एन, यानी कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को ही हम लोग मास नंबर बोलते हैं, और इसी को कुछ कुछ लोग न्यूक्लियॉन भी बोलते हैं, ठीक है। न्यूक्लियॉन मतलब न्यूक्लियस के अंदर में जो दो चीज रहते हैं जिसमें ON ON लगा हुआ है, ठीक है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, तो इसलिए बोलते हैं न्यूक्लियॉन, न्यूक्लियस के रहने वाले, अंदर रहने वाले। तो
तो द मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन एन एटम इज मास नंबर ए, ठीक है, यानी कि मास नंबर को हम लोग न्यूक्लियॉन, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये सब एग्जांपल वगैरह है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, जैसे गोल्ड के बारे में बताया है, ठीक है। उसके बाद फिर कंपोजिशन ऑफ एन आइसोटोप कैन नाउ बी रेडली एक्सप्लेन न्यूक्लियस ऑफ आइसोटोप, ठीक है। इसमें वही बताया गोल्ड का जो 32 आइसोटोप होता है, ठीक है, हम जानते हैं 197 होता है उसका, है ना, एटॉमिक मास, मास नंबर उसका 79 और 197। लेकिन इसके जो आइसोटोप्स होते हैं वो स्टार्ट होते हैं 173 से और ख़त्म होते हैं 204 पे। आप देखेंगे इस बीच में टोटल 32 आइसोटोप्स हैं, ठीक है, गोल्ड के 32 आइसोटोप्स होते हैं। और तो उनका आइसोटोप्स का जो है, आप लोगों को ये सब करेक्टरिस्टिक्स मालूम होगा, उनका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर सेम होता है, इसलिए उनकी केमिकल बिहेवियर सेम होगी और उनकी पोजीशनिंग भी पीरियोडिक टेबल में सेम जगह पे होगी। आइसोटोप के अलावा आपने एक और चीज़ पढ़ा होगा, आइसोबार्स, जिनका एटॉमिक नंबर जो है वो डिफरेंट होता है बट मास नंबर सेम होता है, ठीक है। आइसोबार का एग्जांपल में जैसे आपने ले लिया वन ट्राइटियम और हीलियम, ठीक है, इसमें देखिए आप एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, मास नंबर सेम है। उसी तरह से आपने ये भी सुना होगा आर्गन के बारे में और कैल्शियम के बारे में, आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18 और कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20, लेकिन मास नंबर दोनों का होता है सेम 40 40, ठीक है। इसी टाइप से और भी कुछ कुछ होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर, मास नंबर जो है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, मास नंबर सेम होता है, उतना ज़्यादा डिटेल की जरूरत नहीं है। इसके अलावा एक और चीज़ आता है आइसोटोन्स, आप लोगों ने आइसोटोन्स के बारे में सुना है या नहीं सुना है, आइसोटोन्स सुना है या नहीं सुना है, अगर सुना है तो ओके। आइसोटोन्स का मतलब होता है सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। और आप लोग को मालूम चल गया होगा अभी तक में न्यूट्रॉन्स का नंबर हम लोग कैसे निकालते हैं, अभी हमने देखा कि जो टोटल मास होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर होता है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, मास नंबर में से प्रोटॉन को माइनस कर देंगे। जैसे आप देखिए, सपोज हम एक फॉस्फोरस ले लेते हैं और एक सल्फर ले लेते हैं, फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है और सल्फर का कितना होता है, मालूम है सर? फॉस्फोरस का मास नंबर याद है किसी को, फॉस्फोरस का मास नंबर जल्दी बोलो, 31 और सल्फर का 32, इसमें कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं बताइए, 31 माइनस 15, मास नंबर में से इलेक्ट्रॉन को या प्रोटॉन को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 31 माइनस 15 करेंगे कितना आएगा, 16 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। और इसमें सल्फर में कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हुए, कितने हुए, 16। तो दोनों के पास में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है, इसका मतलब ये क्या बन गया, आइसोटोन्स, समझ गया ना। इसी टाइप से होते हैं, जैसे मरकरी देखिए, ठीक है, और गोल्ड देखिए, मरकरी और गोल्ड दोनों का, इसका 197 में से 79 को माइनस कर दीजिए कितना आएगा ये, ठीक है, 118 आएगा, है ना, और इसमें से भी माइनस कर दीजिएगा 118 आएगा। तो दोनों के पास में, यानी कि गोल्ड और मरकरी, ठीक है, ये दोनों भी आइसोटोन्स हैं, ठीक, ये सारी बातें हैं, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया, कोई दिक्कत किसी को कुछ पूछना है तो यहाँ तक मैं बोल दिया, ठीक है। तो देखिए, आपको एक बार मैंने ये सब बता दिया है, बट आपका ये कंफर्म तभी होगा, ये सारी चीज़ें समझ में तो आ गया कि कहाँ कहाँ क्या लिखा है, ठीक है, बट एक्चुअल में मैं बता रहा हूँ, खुद मुझे भी याद नहीं रहता है ये सारी बातें, छोटी छोटी चीज़ें हैं, ठीक है, कि कहाँ, बस याद रहता है उसमें, लेकिन वो डाटा जो है गलत भी हो सकता है, कुछ मिस्टेक भी हो सकता है, ठीक है, कॉन्सेप्ट मालूम है बट एग्जैक्ट चीज़ें जो है, जैसे हमसे पूछ देगा, अब मेरे से कोई पूछ देता, अभी मैं नहीं पढ़ाया होता तो बताओ, किसी टीचर ने मुझसे पूछ देता या किसी बच्चे ने मुझसे पूछ देता कि चलिए बताइए सर कि जो है गोल्ड के आइसोटोप्स जो होते हैं वो कितने होते हैं, अब मैं कंफ्यूज होता है, 36 होते हैं कि 34 होते हैं, कंफर्म नहीं बता पाता, मैं एग्जैक्टली बता रहा हूँ क्लियरली, ठीक है, तो 32 होते हैं। अब 32 अगर मैं सही में बता भी देता तो ये नहीं बता पाता कि कहाँ से कहाँ तक है, 173 से 204 तक, ये नहीं बता पाता मैं, ये कभी याद नहीं हो सकता मुझे, ठीक है, याद किसको हो सकता है, आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि मुझे तो देख के पढ़ाना रहता है,
तो जिस समय पढ़ाऊंगा उसे थोड़ी देर पहले देख लूंगा, फिर पढ़ा दूंगा ये सब चीज़, बट आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। सो बी ऑनेस्ट, ये सब बातें आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ, हर साल पढ़ाता हूँ फिर भी ये सब डाटा भूल जाता हूँ। इसका मतलब क्या है, पूरे साल भर मैं रिवाइज नहीं करता, एक बार पढ़ाना होता फिर भूल जाता हूँ, ठीक है। तो आपको पेपर में लिखना है, मेरे पेपर में जब आता था मैं रट के जाता था ये सब चीज़, ठीक है, फिर उसके बाद भूल गया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक इज साइज ऑफ न्यूक्लियस, कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस हम लोगों ने देख लिया, न्यूक्लियस के अंदर में क्या क्या चीज़ें होती है, ठीक है। अब आती है बात साइज ऑफ न्यूक्लियस की। आप इतना बता सकते हैं ये दो एटम है, ठीक है, दो एटम, दो न्यूक्लियस ले लेते हैं, एटम छोड़िए। आप ये बताइए दोनों का साइज आप देख रहे हैं, ये छोटा है ये बड़ा है, ठीक है। आप क्या ये बता सकते हैं कि दोनों में मास नंबर जो है किसका ज्यादा होगा, हमेशा एक्सेप्शन मतलब हो सकता है लेकिन मोस्ट 99% केस में किसका मास ज्यादा होगा, फर्स्ट वाले का या सेकंड वाले का, ये बताइए किसका मास ज्यादा होगा। सेकेंड वाले जिसका साइज मोस्ट ऑफ ज्यादा द केसेस में ऑब्वियसली, ठीक है, साइज ज्यादा है इसका मतलब है कि इसके पास प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ज्यादा होंगे। न्यूक्लियस बड़ा है इसका मतलब क्या है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स ज्यादा होंगे, और जितने ज्यादा प्रोटॉन न्यूट्रॉन होंगे उसका मास उतना ज्यादा होगा। एग्रीड, एग्रीड और नॉट, यस यस सर वेरी गुड। सो वी कैन से दैट साइज का मतलब वॉल्यूम, दिस वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर ए, यस और नो। मास नंबर को ए से डिनोट करते हैं, सब पता है ना सबको, और एटॉमिक नंबर को जेड से डिनोट करते हैं, ठीक है। क्या ऐसा बोल सकते हैं हम वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर, जितना ज्यादा मास नंबर है उतना ज्यादा वॉल्यूम है, हाँ या नहीं? हाँ नहीं कुछ तो बोल दो। अच्छा यस सर अब ये जो वॉल्यूम है, ठीक है, उसका फॉर्मूला अभी आप लोगों ने बताया, बिकॉज न्यूक्लियस का जो शेप है ऑलमोस्ट स्फेरिकल होता है, एंड दिस वॉल्यूम इज 4/3 πr³, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। ध्यान से समझिएगा कैलकुलेशन, थोड़ा ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और मुझे जहाँ तक उम्मीद है क्योंकि इस चैप्टर से कुछ टॉपिक्स डिलीट किए गए हैं, जैसे रेडियो एक्टिविटी, अल्फा बीटा गामा जो पेपर में आता था। सो आई थिंक, आई होप कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसका एक तो ये होगा साइज ऑफ न्यूक्लियस, और दूसरा आज ही उसको हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियर फोर्स, इसी दोनों में से क्वेश्चन आएंगे पक्का है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, इन सब चीज़ों को हटा दिया जाए क्योंकि कॉन्स्टेंट है, सो वी कैन से दैट दिस r³ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर, जहाँ r क्या है, इसका रेडियस है ना, समझ आ रहा है सबको। एंड वी कैन से दैट दिस आर इज इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, क्या लिखूं, सही है ये या यू यू नीड सम चेंज, क्या करना चाहिए ठीक बोलिए। हाँ, इसके पर में क्या हो जाएगा, 1/3 आ जाएगा, यहाँ क्यूब है ना तो उधर जाएगा 1/3 हो जाएगा, ठीक है। एंड देयर फोर अब ये प्रोपोर्शनल का साइन यहाँ से हटता है, इक्वल टू का साइन आ जाता है, एंड यहाँ पर आएगा आपका आर नॉट, ठीक है, a³ 1/3, ठीक। सो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट बनता है साइज ऑफ क्या है, साइज ऑफ न्यूक्लियस। सो जो न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है वो मास नंबर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मास नंबर का, सॉरी बोलता है भाई, मास नंबर की पावर 1/3 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्यूब रूट ऑफ मास नंबर। एंड यहाँ पे आर नॉट जो है एक कांस्टेंट आया, इस आर नॉट की वैल्यू होती है 1.2 फर्मी मीटर, ठीक है, ये फिक्स्ड वैल्यू कांस्टेंट है, ठीक है, ये यहाँ पे दिया आप लोगों का, ये ना आर नॉट है ना, इट हैज बीन एस्टेब्लिश्ड दैट द न्यूक्लियस, आज जो ये देखिए ये एनसीईआरटी में आपको गिवन नहीं है, ये जो मैंने आपको डिराइव करके दिखाया है, ठीक है, यहाँ पर डायरेक्टली लिखा दिया है, एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि r इक्वल्स टू r नॉट ए की पावर 1/3,
यहाँ पर आर नॉट की वैल्यू 1.2 × 10⁻¹⁵ मीटर है, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है, समझ गए। इट मीन्स द वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, है ना, प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब इज प्रोपोर्शनल टू ए, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब एंड आर क्यूब इज प्रोपोर्शनल टू ए, ठीक है, ये सब बात, ठीक है, सब लिखा हुआ। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है किसी को इसके ऊपर में क्वेश्चन ये एक्सरसाइज में और प्रीवियस ईयर में जब आप देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन इसके उठा के पूछे हुए हैं, ठीक है, बहुत बार मोस्ट ऑफ द चांस है कि इससे क्वेश्चन आए ही आए, ठीक है। यहाँ तक कुछ दिक्कत है आप लोगों को तो बोलिए, फिर हम थोड़ा आगे स्टार्ट करते हैं। नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करें, जब आप लोग थक जाएंगे तो बता दीजिएगा, ठीक है, हम थोड़ा सा ब्रेक ले लेंगे फिर क्लास स्टार्ट करेंगे, नहीं थके हैं तो चलते ना कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से हम नया एक स्टार्ट करते हैं, आता है न्यूक्लियर डेंसिटी, ठीक है। तो डेंसिटी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, रो से, और हम लोग जानते हैं डेंसिटी इक्वल होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। जब हम लोग न्यूक्लियस के मास की बात करें तो वो मास नंबर के बराबर हो जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास के बराबर, और वॉल्यूम हम जानते हैं 4/3 πr³ होता है, ठीक है, समझ में आ रही सबको बात। ये सब कैलकुलेशन जो मैं करके दिखा रहा हूँ, आप जब नोट्स बनाएंगे आपको ध्यान में रखना, ये सारी चीज़ें जो मैं लेक्चर में दे रहा हूँ इसको NCERT में नहीं लिखा, आपको ये सब चीज़ खुद से बना के लिखना है वहाँ पे, ठीक है, समझाने के लिए। अब देखिए ये a तो हो गया, और 4/3 को हम लोग 3/4 लिख लेते हैं, और पाई को भी लिख लेते हैं बेचारे को, और आर आर अभी आपने देखा दिस आर इज इक्वल्स टू आर नॉट ए की पावर 1/3, दिस इज आर नॉट ए की पावर 1/3, और इसका क्यूब करना है, ठीक है, समझ रहे हैं बात को। अब ध्यान से देखिएगा क्या चल रहा है सीन यहाँ पे, दिस बिकम्स डेंसिटी इज इक्वल्स टू, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ मैं, 3a/4π आर नॉट की पावर 3, ठीक है, और a की पावर 1/3 की पावर 3, तो क्या बन जाएगा, a बन जाएगा, समझ गया सब कोई, अरे हाँ या नहीं, यस सर। तो यहाँ से आप देखिए ये a और ये दोनों कैंसल आउट हो जाएगा, ये बच रहा है आपका 3/4πr³, ठीक है। अब आप बताइए इसमें से कौन सा टर्म वेरिएबल है, इसमें डेंसिटी है, डेंसिटी जो निकली किसी भी न्यूक्लियस की उसमें कौन सा टर्म वेरिएबल है, ये बताइए, रो, अरे बाबा ये तो रो तो डेंसिटी है, कौन सा टर्म वेरिएबल दिख रहा है आपको इसमें से, आर 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 कहाँ है, आर नॉट है बाबा, आर तो है ही नहीं सर, कोई नहीं, नॉट की वैल्यू तभी सब कांस्टेंट है, कोई नहीं, ठीक है, कांस्टेंट है, वेरी गुड, एक्सीलेंट। अब आपसे मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये दो न्यूक्लियस था, माइक ऑफ कर लीजिए, ये दो न्यूक्लियस है आपके पास, इस दो न्यूक्लियस में से है ना किसकी डेंसिटी ज्यादा है ये बताइए, जिसका वॉल्यूम ज्यादा है या जिसका वॉल्यूम कम है, 1 or 2 किसका डेंसिटी ज्यादा है ये बताइए, न्यूक्लियस की डेंसिटी, किस न्यूक्लियस की डेंसिटी ज्यादा, फर्स्ट की या सेकंड की, किसकी ज्यादा होगी, अंदाज लगाइए, सिंपल है, सेकंड, सेकंड, वेरी गुड, बहुत अच्छा, आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, एकदम अच्छा अच्छा आंसर देते हैं, आपको पूरा पढ़ा दिया मैंने, फर्स्ट होगा सर, डेंसिटी, हाँ ये बहुत शानदार बच्चा, बहुत शानदार, फर्स्ट होगा सेकंड होगा, डांट खाना है क्या, अभी सामने होते ना गला दबा देगा तुम लोगों का, अभी मैंने दिखाया आप लोगों की, देखिए डेंसिटी जो है किसी चीज पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, कॉन्स्टेंट है, ना रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, ना मास नंबर पे डिपेंड कर रहा है, फिर इसका रेडियस छोटा है, इसका रेडियस बड़ा है, क्या कर लोगे उसका, है इसका मास कम है, इसका मास ज्यादा है, क्या कर लोगे उसका, कोई मतलब नहीं है, डेंसिटी सेम रहेगा, चाहे हाइड्रोजन की डेंसिटी हो, चाहे बहुत बड़ा सा यूरेनियम हो उसकी डेंसिटी हो, डेंसिटी सबकी, बोलो
बेंजीन के साथ ही सेम, ठीक है, समझ आ गया सबको। सो सो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज कांस्टेंट एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर। देखा अभी मास नंबर बेचारे कट गए, इनका कोई अस्तित्व नहीं रह गया, ठीक है, बर्बाद है इनकी जिंदगी, ठीक। सो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर फॉर ऑल न्यूक्लियस। डिफरेंट न्यूक्लियाई आर लाइक अ ड्रॉप ऑफ लिक्विड ऑफ कॉन्स्टेंट डेंसिटी। जैसे लिक्विड के ड्रॉप की जो डेंसिटी होती है वो कॉन्स्टेंट होती है, उसी तरह से न्यूक्लियाई की, न्यूक्लियस की डेंसिटी कॉन्स्टेंट होती है। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियर मैटर इज अप्रॉक्सीमेटली, किसी का भी जब आप कैलकुलेट करेंगे तो इट विल कम आउट टू बी 2.3 × 10^17 kg/m³। और नॉर्मल जो मैटर होता है वो 1000 kg/m³ होता है, जैसे पानी की डेंसिटी है, ठीक है। आप देख लें न्यूक्लियस की कितनी औकात है, 10^17 ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10^17 kg/m³, ठीक है। तो कितना डेंस होता है न्यूक्लियस, आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज अंडरएस्टिमेबल दैट एज वी हैव ऑलरेडी सीन दैट मोस्ट ऑफ द एटम इन इज एम्प्टी, मोस्ट ऑफ द एटम स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी, क्योंकि न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा डेंस होता है, बहुत घना होता है, ठीक है, तो छोटे से जगह में आता है, ठीक है, तो ये सब बात है। तो ऑर्डिनरी मैटर कंसिस्टिंग ऑफ एटम हैज़ लार्ज अमाउंट ऑफ एम्प्टी स्पेस। इसी पे एग्जाम्पल 13.1 है, मास ऑफ आयरन न्यूक्लियस दे रखा है, ठीक है, इसकी न्यूक्लियर डेंसिटी चाहिए, तो मास दे रखा है कितना, 55.56 होता है मास, हमको मालूम है आयरन का, तो इतना दे रखा है 55.85 U। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, U को है ना चेंज करना है, तो ए 1 U इतने के बराबर होता है, तो इसको हम लोग मास को चेंज करेंगे, इसमें क्या करेंगे 1.66, अभी देखा था ना 66 × 10^-27 से जैसे ही इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका कट पीट के है ना सॉल्व हो गया, इतना आ जाएगा केजी में, ठीक है। जब हम लोग सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल उसमें ऐसा यूनिट लेंगे, तो मास हो गया आपको केजी में, ठीक है, और वॉल्यूम हम लोग वॉल्यूम की जगह वही लिखेंगे 4/3 πr³। आर क्यूब को हम लोग क्या लिखेंगे, आर क्यूब की जगह पर हो जाएगा कितना, आर नॉट ए की पार है ना 1/3 का होल क्यूब, एक मिनट सर, ठीक है। सो आर नॉट ए की पावर 1/3 में पुट कर देंगे वैल्यू, ठीक है, ये आ जाएगा आपका सॉल्व होने के बाद इतना, तो लगभग लगभग कांस्टेंट है, इतने के ही बराबर होगा, देखिए 2.3 × 10^17 kg/m³, तो वही है इतने के बराबर है। तो किसी भी अगर न्यूक्लियस की डेंसिटी निकालेंगे तो ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट निकलेगी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक में, कुछ दिक्कत है तो बोलिए। नो सर। चलिए ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं आइंस्टाइन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस, ठीक है। तो आइंस्टाइन नाम का साइंटिस्ट आप लोगों ने फिजिक्स लैब के बाहर भी देखा होगा, उस बेवकूफ आदमी को, ठीक है, जहाँ तहाँ रहते रहते हैं, हम लोगों को टेंशन दे के चले गए हैं। इन्होंने फिजिक्स में एक बहुत ही ज़बरदस्त जो है एक रिलेशनशिप दिया था। उन्होंने कहा कि कोई भी पार्टिकल है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसके पास मास है तो उसके पास कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी, और इसलिए उन्होंने मास एनर्जी को कोरिलेट कर दिया और एक इक्विवेलेंस रिलेशन दिया। दैट इक्विवेलेंस रिलेशन इज कॉल्ड आइंस्टाइन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन, दैट इज E equal to m into c square, ठीक है।
द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ मास एम इज रिलेटेड बाय द अबव इक्वेशन एंड सी इज द स्पीड ऑफ लाइट या वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। जानते हैं हम लोग कितने के बराबर होता है, 2.99 समथिंग इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, यानी 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से एक न्यूमेरिकल आ गया कि कैलकुलेट द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस। तो मास हो गया 1 ग्राम, तो 10 की पावर माइनस 3 kg इंटू सी स्क्वायर। तो 1 ग्राम के पास देखिए आप कितनी खतरनाक अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, ठीक है। 1 ग्राम है ना, कोई भी सब्सटेंस है उसके पास एनर्जी होती है 9 × 10³³ जूल। आप समझ सकते हैं आपका मास कितना, 80 kg, 90 kg, नहीं 30, 40, 50, 60, इसी बीच में होंगे आप लोग, ठीक है। तो उसमें आप सी स्क्वायर से अगर आप स्पीड ऑफ लाइट से अगर आप ट्रेवल कर सकते हैं, ठीक है, तो आप सोच लीजिए कितना ज़्यादा एनर्जी आपके पास होगी। बट ये उन्हीं के लिए है जो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कर सकता है, उसके पास में इतनी एनर्जी हो सकती है, ठीक है, समझ गए। तो ये सब बातें थी, ठीक। इसके बारे में लास्ट इस पैराग्राफ में ज़्यादा कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है, तो आप इसको खुद से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आता है आपका न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। ये क्या है बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है, सब स्टेबल है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, कुछ या गैप ब्रेक तो नहीं चाहिए ना भी किसी को। अरे हाँ, नहीं कुछ तो बोला करो। नो सर, नो सर, नो सर। चलिए ठीक है, ओके। इसलिए पूछ रहा था क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है और थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, इसलिए सब ठीक है तो फिर आगे बढ़ते हैं, अगर ठीक नहीं है तो थोड़ा सा गैप ले लीजिए। तो लोग स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी के बारे में, ठीक है। चलिए क्या होता है हम लोग बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है, थोड़ा बहुत हम लोग जैसे 11th में याद कीजिए फिजिक्स में पढ़े थे बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर न्यूक्लियस के बाइंडिंग एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि किसी भी न्यूक्लियस जो होता है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलके बना हुआ होता है। कोई भी न्यूक्लियस जो है वो बना हुआ है किससे, किससे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, इतना हम लोग जानते हैं, ठीक है। इसलिए हम लोगों को ये मान के चलना चाहिए कि जो मास ऑफ न्यूक्लियस होगा वो मास ऑफ टोटल मास ऑफ इंडिविजुअल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जैसे सपोज हमारे पास सोडियम है, ठीक है, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है कितना, 11, और मास नंबर होता है 23, सबको पता है। तो इसका मतलब है कि जब हम इसके मास की, मास ऑफ न्यूक्लियस की बात करेंगे, ठीक है, तो न्यूक्लियस इसमें न्यूक्लियस में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, सॉरी कितने प्रोटॉन होंगे, 11, और न्यूट्रॉन कितने होंगे बोलिए, सोडियम में कितने प्रोटॉन न्यूट्रॉन होंगे, 12, सोडियम के न्यूक्लियस में 11, ठीक है, 11 नहीं अगली 23 है ना, देख तो सही, 23 में से 11 प्रोटॉन माइनस करेगी तभी तो जाके न्यूट्रॉन मिलेगा, तो 11 प्रोटॉन है और 12 न्यूट्रॉन, ठीक है। तो ये है इसका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर, ठीक। तो अगर आप जस्ट इमेजिन कीजिए, यहाँ से अच्छी चीज है, बहुत ही कॉन्सेप्ट वाली बात है, यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग है कि अगर हम किसी भी सोडियम के न्यूक्लियस को ले लेते हैं, सोडियम के न्यूक्लियस को ले लेते हैं जिसमें 11 प्रोटॉन है और 12 न्यूट्रॉन है, ठीक है। तो जब हम लोग ऐसा कुछ करेंगे तो उस कंडीशन में जब इसका टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस निकालेंगे, ये जो मास है वो किसके मास के बराबर होना चाहिए, अकेला जब हम लोग इंडिविजुअली जब 11 प्रोटॉन का मास निकाल लें अलग से और 12 न्यूट्रॉन का मास निकाल लें अलग से, और इन दोनों को जब हम लोग प्लस करें तो इसके बराबर आना चाहिए, आना चाहिए या नहीं, जो बोला मैं रिपीट करूं या समझ आ गया सबको, सर एक बार, ठीक है, ठीक है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा इस बात को। मैं ये बोल रहा हूँ कि एक एटम है सोडियम, ठीक है, उसके न्यूक्लियस को लिया हमने और उसके न्यूक्लियस को मास, उसके न्यूक्लियस का मास को मेजर किया, ठीक है, वो मास कितने के बराबर आना चाहिए। हम जानते हैं न्यूक्लियस ऑफ सोडियम है उसमें 11 प्रोटॉन है और 12 न्यूट्रॉन है। हम एक काम कर लेते हैं, एक प्रोटॉन का मास हम लोगों को मालूम है, ठीक है,
एक प्रोटॉन का मास होता है कितना, 1.007 × 7272। अब उसमें हम लोग क्या करेंगे, 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मास ऑफ प्रोटॉन निकल जाएगा। उसी तरह से मास ऑफ न्यूट्रॉन हम लोगों को मालूम है 1.00 × 866 U, दोनों लगभग बराबर ही होते हैं। अब इसमें 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मास ऑफ न्यूट्रॉन निकल जाएगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक न्यूक्लियस के अंदर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो सारे प्रोटॉन और सारे न्यूट्रॉन का मास को हम लोग प्लस कर देंगे तो मास ऑफ न्यूक्लियस के बराबर आना चाहिए, हाँ या नहीं? यस सर, आना चाहिए। ठीक है, वेरी गुड। बट जब ऐसा देखा गया, एक्सपेरिमेंट करके देखा गया, तो ये बराबर नहीं आया। ठीक है, समझ रहे हैं बात को? तो बराबर नहीं आया तो फिर हुआ क्या, क्या इसके बारे में बात होगी? कुछ मालूम है आप लोगों को इसके बारे में कॉन्सेप्ट? थोड़ा बहुत पढ़े होंगे शायद केमिस्ट्री में, ये टर्म आप लोगों का पढ़ा हुआ होगा। पैकिंग फ्रैक्शन वगैरह पढ़े हैं आप लोग केमिस्ट्री में? हाँ, नहीं कुछ तो छोड़िए, नहीं पढ़े कोई बात नहीं। यहाँ देखिए, ठीक है, देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दिया है किसका, ऑक्सीजन के न्यूक्लियस का। ठीक है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, मास नंबर 16 होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसके पास 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन होंगे। ठीक, तो इन्होंने क्या किया कि 8 प्रोटॉन का मास निकाल लिया और 8 न्यूट्रॉन का मास निकाल लिया, तो दोनों को प्लस कर दिया तो कितना हो जाएगा, 8 × इतना, यानी कि 1.00 जो भी है। ठीक है, 866। ठीक है, क्या हुआ, किसी को कोई प्रॉब्लम? कहीं से उधर कुछ ठुक ठाक हो रहा था आवाज। ठीक है, मास ऑफ न्यूट्रॉन आ गया। अब फिर हम मास ऑफ प्रोटॉन की बात कर लेते हैं, इसमें प्लस कर देंगे 1.00727। ठीक है, जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2. ये दोनों को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 2.01593। ठीक है, और इंटू 8 कर देंगे तो ये आ जाता है आपका 16.12744। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही डेंजरस टॉपिक है ये। अगर मैं आपको अभी छोड़ दो ना 10 मिनट, ठीक है, कि आपको 10 मिनट का टाइम दे दूँ और बोलूँ कि चलिए आप 10 मिनट का 15 मिनट में ये पूरा पढ़िए और समझाइए क्या क्या हुआ, तो आप नहीं समझा पाएंगे। पूरी क्लास में रेयरली एक आध बच्चा इस चीज़ को समझा पाएगा। ठीक है, इसको ध्यान से समझिए जो जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ। अभी समझ में आ गया, ये जो मास आया 16.12744 U, ठीक है, ये किसका मास है, किसका मास है, टोटल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास है जब हम सेपरेटली इंडिविजुअल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को फ्री स्टेट में मेजर कर रहे हैं। क्या ये बॉन्डेड स्टेट में है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, अभी बॉन्डेड में है या फ्री स्टेट में है? अरे बाबा, मैंने ये जो न्यूट्रॉन का जो मास लिया ये इतना, ये बाउंडेड स्टेट का मास है या फ्री स्टेट का मास है? एक्चुअल न्यूट्रॉन का मास है तो फ्री है ना, अभी प्रोटॉन भी अभी फ्री है। हम क्या कर रहे हैं, 8 प्रोटॉन का अलग, 8 न्यूट्रॉन का अलग करके सबको प्लस कर दिए, यानी कि एक्चुअल में इतना होना चाहिए मास, क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन के न्यूक्लियस का मास इतना एक्चुअल में होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं, क्योंकि हमारा यही तो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, तो इतना होना चाहिए। लेकिन अब हम लोग इसको देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पर, खेल कैसे बिगड़ रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, डिवाइस, दैट इज मास स्पेक्ट्रोमीटर, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट है स्पेक्ट्रोमीटर, मास स्पेक्ट्रोमीटर, उसमें मास स्पेक्ट्रोस्कोपी एक्सपेरिमेंट करके ये देखा गया कि जो जो एटॉमिक मास होता है इसका, ऑक्सीजन का, वो होता है आपका 15.99493 यूनिट। ठीक है, पूरे ऑक्सीजन का एटॉमिक मास। ठीक है, अब इसमें से हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, ये मास तो आ गया पूरे एटम का, यानी कि कितना, 15. आपका आ गया 99493। ठीक है,
ध्यान से समझिएगा ये पूरा कैलकुलेशन। अब इसमें आपको क्या क्या चीज आ गया होगा, क्योंकि पूरा एटम है तो उसमें प्रोटॉन भी आया होगा, न्यूट्रॉन भी आया होगा और इलेक्ट्रॉन भी आ गया होगा, नहीं? क्योंकि ऑक्सीजन के पूरा एटम का लिया है तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन तीनों ही चीजें आई होंगी, आई होंगी या नहीं? तो हम लोग को सिर्फ बात करनी है किसकी, न्यूक्लियस की। तो न्यूक्लियस में सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है? तो उसमें से हम लोग क्या करते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन के मास को मल्टीप्लाई करके हम लोग उसमें से कम कर लेते हैं, ठीक है? जब इसमें हम 8 × 0. इतना करेंगे तो ये वैल्यू आप जब सॉल्व करके देखेंगे आ जाएगी 0.004। आप लोग कुछ कुछ लोग कैलकुलेशन करके देख लीजिए खुद ब खुद कितने के बराबर आ जाएगा, ठीक है? और जब इसमें से हम लोग माइनस करेंगे तो ये कट फिट के आ जाता है आपको 15.99053, ठीक है? सॉरी 053, हाँ ये आ रहा है, देखिए आ रहा है। सब्ट्रैक्ट कर लिया आप लोगों ने? यस सर। अरे हाँ नहीं, ठीक है चलिए अब ध्यान से समझिएगा बात को। अब ये जो मास हुआ ये किसका हुआ, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर हुआ है या नहीं, क्योंकि उसमें से हमने इलेक्ट्रॉन के मास को हटा दिया। अरे हाँ या नहीं? यस सर। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन। देखिए ये जो मास है पूरे ऑक्सीजन एटम का मास, ऑक्सीजन एटम में हमारा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन भी होगा। इलेक्ट्रॉन के मास को उसमें से हमने क्या कर दिया, हटा दिया। अब जो बचा वो किसका मास बचा, न्यूक्लियस के अंदर में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन था उसका मास बचा, ठीक है? तो ये क्या है आपका एक्सपेरिमेंटेड वैल्यू, ठीक है? ये कौन सी वैल्यू आई, एक्सपेरिमेंटेड वैल्यू। और एक्चुअल वैल्यू प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कितनी थी, कितनी थी, 16.212744। ध्यान से समझिएगा इस बात को, ठीक है? तो आप देख रहे हैं दोनों सेम आना चाहिए कि नहीं, ये चीज और ये चीज दोनों सेम आना चाहिए? यस आना चाहिए। लेकिन ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ, ठीक है? तो इसका मतलब है ये पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि कितना मास कम आ रहा है। तो 16 में से है ना, इसमें से 16 इतना में से ये वाला मास को माइनस कर देंगे तो ये वैल्यू आपकी आ जाती है माइनस करने के बाद 0.13691 यू। आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, यहाँ पर डाटा दिया होगा 0.13691 यू के बराबर आता है, ठीक है? समझ गए? अब क्यों हुआ ऐसा, ठीक है? तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट आता है दैट इज कॉल्ड मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है? इसका मतलब ये है कि इसका, अच्छा पहले हम लोग एक टर्म देख लेते हैं मास डिफेक्ट। अरे क्या बात कर रहे हैं, ठीक है? मास डिफेक्ट क्या है, दिस इज मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है? देखा आप लोगों ने टोटल मास डिफेक्ट कैसे आया, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। प्रोटॉन कितना होता है, जितना एटॉमिक नंबर होता है। न्यूट्रॉन कितना होता है, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देंगे तो जेड टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन प्लस ए माइनस जेड टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन। ये टोटल मास हो गया किसमें, फ्री स्टेट में। और उसमें से मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा जो भी आया ये वाला वैल्यू मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से एम, इस डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं मास डिफेक्ट डेल्टा एम। इस मास में कुछ ना कुछ डिफेक्ट आया तो मास डिफेक्ट आपको समझ में आ गया क्या हुआ। तो मास डिफेक्ट एक्चुअली में क्या है कि जब हम फ्री स्टेट में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को के टोटल मास को ले रहे हैं उसमें से हम लोग अगर माइनस कर देते हैं एक्सपेरिमेंटेड वैल्यू, यानी कि जो हमारा एक्सपेरिमेंट के द्वारा जो मास आया उसमें से उसको अगर माइनस कर देंगे उसका जो डिफरेंस आएगा दैट इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। आई बात समझ में सबको कि नहीं आई, मास डिफेक्ट का फॉर्मूला समझ आ गया, ठीक है? अब आइंस्टाइन ने एक रिलेशनशिप दिया था मास एनर्जी इक्विवेलेंस। तो यहां से ये जो मास डिफेक्ट आया उसमें सी स्क्वायर से हमारा जब मल्टीप्लाई कर दिया तो यहां से कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी आई, ठीक है? अब यहां से ध्यान से समझिएगा इस चीज को, ठीक है? ये आठ
प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, आठ प्रोटॉन हैं यहाँ पर, आठ हैं। उसी तरह से यहाँ पर आठ न्यूट्रॉन हैं, ठीक है, साइज दोनों का बड़ा छोटा साइज पे हमने भी बता रहे, बस कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, ठीक है, आठ प्रोटॉन आठ न्यूट्रॉन, अभी दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। हमें क्या करना है, दोनों को कंबाइन करके, दोनों को कंबाइन करके एक न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करना है, ठीक है। तो जब हम इसको कंबाइन करेंगे तो इसके पास कॉम्बिनेशन में, क्योंकि कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी भी जो है इसको सप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है, नहीं समझे। जैसे ही हम लोग इसको क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, बाइंड करेंगे, उसी एनर्जी को क्या बोला जाता है, बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। अब बाइंडिंग एनर्जी को दो तरीके से समझा जाता है, ठीक है, एनसीईआरटी लेकिन क्या कहता है कि अगर हम सपोज इफ सर्टेन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर बाउड टुगेदर, सर्टेन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर बाउड टुगेदर टू फॉर्म अ न्यूक्लियस ऑफ अ सर्टेन चार्ज एंड मास एंड एनर्जी ई बी विल बी रिलीज्ड इन द प्रोसेस। जब हम इन दोनों को कुछ पास लेके आएंगे, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है, एंड दिस एनर्जी इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है, नहीं समझे बात को। जब हम इस आठ प्रोटॉन और आठ न्यूट्रॉन को साथ लाएंगे, तो साथ लाने के लिए जैसे ये आएंगे तो यहाँ से ये क्या करेंगे, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज करेंगे, एंड दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी द मास डिफेक्ट इनटू सी स्क्वायर, इसी को बोला जाता है बाइंडिंग एनर्जी। आया समझ में सबको या नहीं आया, बाइंडिंग एनर्जी आ गया। जस्ट अब कुछ कुछ बुक में क्या लिखा होता है इसी चीज को, और एनसीईआरटी में भी थोड़ा बहुत लिखा है, अगर हम चाहते हैं कि एक न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर में आठ प्रोटॉन और आठ न्यूट्रॉन है, ठीक है, इस न्यूक्लियस के अंदर में आठ प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, अगर हम चाहते हैं इन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सेपरेट आउट करना, यानी कि इसको बाहर निकालना है, तो इसके लिए जब इसको बाहर निकालेंगे तो इसमें हम लोगों को एनर्जी कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, और कितना एनर्जी देना पड़ेगा, जितना एनर्जी इसको बाउंड करने में लगा है, बाइंडिंग एनर्जी इसकी जितनी एनर्जी से बाउंडेड है, तो बाइंडिंग एनर्जी के बराबर अगर हम लोग एनर्जी देंगे तभी जाके ये न्यूक्लियस जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में सेपरेट हो सकता है। सो if we separate a nucleus into its nucleons, namely that is proton and neutron, we would have to supply the total energy equal to EV to both particles. मतलब आप binding energy को ऐसे समझ लीजिए कि ये जब nucleus form हो रहा था तो उससे कुछ amount of energy जो release हुई उसको भी binding energy बोल सकते हैं, या फिर जब nucleus को तोड़ के proton और neutron को separate out करेंगे उस समय भी कुछ energy चाहिए होगी उसको, उसको भी हम लोग बाइंडिंग एनर्जी के बराबर बोलते हैं, जो चाहिए वो बाइंडिंग एनर्जी के बराबर एनर्जी देनी पड़ेगी तभी वो टूटेगा। यहाँ तक समझ आया सबको कि नहीं आया? यस सर, आ गया, क्लियर है सबको, ठीक है। अब इसके बेस पे एक एग्जांपल है, ठीक है, उसको आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है, हमको थोड़ा दूसरा टॉपिक करना है, नहीं समझ में आएगा तो आप पूछ लीजिएगा। इसमें आपको सिर्फ याद रखना है कि जो वन एटॉमिक मास यूनिट होता है, ठीक है, वो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर जो है, इतना एनर्जी कंटेन करता है कौन, वन एटॉमिक मास यूनिट है, मास एनर्जी की वजह से ही आया, इससे कुछ नहीं है इसमें ज़्यादा कुछ, ये वन यू है, फिर उसमें हम लोग यू में इससे मल्टीप्लाई करेंगे सी स्क्वायर से, ठीक है, इसको हम लोग मास है तो मास में सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ जूल आएगा, जूल को 1.6 × 10⁻¹⁹ से डिवाइड करेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो वन यू था एनर्जी, और उसमें हम लोग सी स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, तो यानी कि इतना जो है, ये रिलेशनशिप आपको याद रखना है, वन यू में इतना मेगा इलेक्ट्रॉन, यहाँ सॉरी मैंने मेगा नहीं बोला, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर जो होता है इतनी एनर्जी होती है, ठीक है। तो यानी कि अगर हम लोग ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के बारे में था, तो अगर इफ एनर्जी नीडेड टू सेपरेट ऑक्सीजन इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट इज 127.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर, ठीक है, इतनी एनर्जी चाहिए, ठीक। अब इसमें एक और टर्म आ जाता है, दैट इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, तो इसमें कुछ भी नहीं है, जो भी बाइंडिंग एनर्जी की डेफिनेशन अभी हमने देखा, मास डिफेक्ट,
उसमें मास डिफेक्ट इनटू सी स्क्वायर, उसी बाइंडिंग एनर्जी में अगर हम लोग ए से मास नंबर से डिवाइड कर देंगे तो, क्योंकि न्यूक्लियॉन ए क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन है, तो बाइंडिंग एनर्जी में अगर मास नंबर से डिवाइड कर देंगे तो बन जाएगा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, बस ठीक है। अब ये वाला जो टॉपिक है इस बार अपने कोविड 19 की वजह से ये सब टॉपिक को रिमूव कर दिया गया सिलेबस रिड्यूस करने में, कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन एज अ फंक्शन ऑफ मास नंबर इसका वेरिएशन, ठीक है। इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है, इसको एक्सप्लेन अभी हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि सिलेबस में नहीं है, बाद में देखी जाएगी। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट था, पहले पेपर में आता था कई बार, उसी के बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, ठीक है। ये सब चीज़ तो ये टॉपिक आपको क्या करना है, छोड़ देना है, ठीक है, नहीं करना, ठीक, बाद में देखी जाएगी, उसको पढ़ेंगे अगर टाइम मिला तो। सो आज की क्लास का ये लास्ट टॉपिक है न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। उसके बाद आपका रेडियो एक्टिविटी नहीं पढ़ना पूरा का पूरा, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी पे इस चैप्टर से बहुत सारी चीज़ें हटा दी गई हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा लगता है इसी चैप्टर से हटाया है, ये सब रेडियो एक्टिविटी आप लोगों ने 11th में पढ़ाई होगा केमिस्ट्री में, इसलिए जो है अल्फा डीके फिर बीटा डीके सब हटा देना है, नहीं पढ़ना है, गामा डीके भी नहीं पढ़ना है। उसके बाद फिर न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन हम लोग कल कर लेंगे, फ्यूजन और फ्यूजन, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स के बारे में कल 1 घंटे में खत्म हो जाएगा सारा, ठीक है। तो हम लोग न्यूक्लियर फोर्स पढ़ लेते हैं अभी फास्ट, ठीक है। यहाँ तक नहीं, किसी को कुछ डाउट है कुछ पूछना है तो बोलिए। एनीवन एनीथिंग टू आस्क? कुछ नहीं पूछना है, आगे बढ़ जाएं। चलिए बस थोड़ा सा, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं, 10 मिनट में खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए न्यूक्लियर फोर्स, थोड़ा बहुत आइडिया है आपको किसी को इसके बारे में, न्यूक्लियर फोर्स के बारे में? ये टॉपिक अगेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन देखिए वो सब सिंपल होता है, कोई भी बच्चा कर लेगा क्योंकि उसमें एक दो चीज़ें होती हैं, तो उसमें से कोई इतना खतरनाक कुछ पूछेगा नहीं कि आप पेपर में ना कर पाइए, फिर भी उसको भी हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे कल, लगभग 1 घंटा लगेगा। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका न्यूक्लियर फोर्स, और इससे पहले जो भी हम लोग पढ़े थे, ठीक है, कौन सा क्या बोलते हैं उसको, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी वाला जो कॉन्सेप्ट था, ठीक है, आता है न्यूक्लियर फोर्स। इसमें आप लोगों को नहीं मालूम है तो ये छोड़िए, कोई बात नहीं। हम जानते हैं न्यूक्लियस के अंदर में प्रोटॉन भी होते हैं और न्यूट्रॉन भी होते हैं, ठीक है। आप लोग को क्या मालूम है कि न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में कोई फोर्स लगता है और प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में कोई फोर्स लगता है? Yes. कौन सा फोर्स प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा? रिपल्सिव, ऑब्वियसली, क्योंकि पॉजिटिव चार्जेज हैं तो यहाँ पर फोर्स लगेगा, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं न्यूक्लियस के अंदर में प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में बहुत ही ज्यादा, क्योंकि आप समझ सकते हैं न्यूक्लियस कितना डेंस होता है, ठीक है, इतनी ज्यादा डेंसिटी में बेचारे प्रोटॉन कैसे पिस के रहते होंगे सोच लीजिए, ठीक है, क्या हालत होती होगी इन प्रोटॉन्स की। तो जब ये प्रोटॉन्स इस न्यूक्लियस के अंदर में होंगे तो उनके बीच में बहुत ही ह्यूज अमाउंट में रिपल्सिव फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। एंड द वैल्यू ऑफ दिस फोर्स कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग Q1 Q2 अपॉन 4πε0 R2। चार्ज ऑन दिस प्रोटॉन, चार्ज इन दिस प्रोटॉन, और दोनों के बीच का सेपरेशन कुछ ना कुछ होगा, तो कूलम्स फोर्स के द्वारा हम लोग इस दोनों के बीच का फोर्स ऑफ रिपल्शन निकाल सकते हैं, ठीक है, हाँ या नहीं? अरे बोलो। यस यस सर। उसके न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी कूलम्स लॉ लगा सकते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं इसके बारे में, याद है ना सबको?
जल्दी बोलो। हाँ नहीं कुछ तो इतना टाइम लगाते हो यार। हाँ बोलने में क्या जा रहा है। देखिए यहाँ क्या है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन पे चार्ज जीरो होता है, तो आप समझ सकते हैं कूलम्बिक फोर्स ऑफ रिपल्शन नहीं लगेगा। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ कैसे लगाएंगे, यहाँ पर चार्ज जीरो है, न्यूट्रल है ना न्यूट्रॉन। लेकिन इसमें हम जानते हैं कि कोई भी दो बॉडी यूनिवर्स में है तो उन दो बॉडी के बीच में हमेशा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा होगा, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स हो रहा होगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन भी हो रहा होगा। अब आप समझ सकते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर में रिपल्शन फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रहा है, इतना आपको समझ में आ गया। यानी प्रोटॉन प्रोटॉन आपस में एक दूसरे से बहुत लड़ाई झगड़े कर रहे होंगे, फिर भी उनको चिपक के रहना पड़ रहा है एक दूसरे के साथ, तो आप समझ सकते हैं। इसलिए न्यूक्लियस के ऊपर में बहुत बड़ा सा एक फोर्स लग रहा होगा जो इस न्यूक्लियस को तोड़ने की कोशिश कर रहा होगा। हाँ या नहीं, हाँ या नहीं? तो ये न्यूक्लियस क्या टूट जाता है प्रोटॉन के रहने से? नहीं टूटता है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर में इस फोर्स ऑफ रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए एक ऑटोमेटिक एक फोर्स लगता है, दैट फोर्स इज कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्स, जिसके बारे में हम लोग आज तक नहीं सोचे थे। आई बात समझ में? कि एक छोटे से कमरे के अंदर में 2000 लोगों को जब रखने की बात आ जाएगी, ठीक है, ये लोग आपस में काट पीट के एक दूसरे को बराबर करके अपने आप को स्टेबल करना चाहेंगे। ठीक है, जैसे एक क्लास के अंदर में अगर दो क्लास को कंबाइन कर दिया जाता है तो काफ़ी सारे बच्चे हो जाते हैं, और उस समय में बच्चे आपस में लड़ाई झगड़े करना शुरू कर देते हैं, फोर्स ऑफ रिपल्शन भी लगता है, अट्रैक्शन भी लगता है। लेकिन रिपल्शन फोर्स इतना ज़्यादा होता है कि मतलब जो सामने जो टीचर खड़ा है, ठीक है, वो अगर ना हो तो क्या होगा, वो क्लास पूरी टूट जाएगी। ठीक है, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे, लेकिन वो जो टीचर जो फोर्स लगा रहा है, दैट इज अ टाइप ऑफ न्यूक्लियर फोर्स जो बाइंड करके रखता है, न्यूक्लियस को टूटने से रोकता है। ठीक है, यानी कि जो स्टूडेंट्स के बीच में जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है, उस रिपल्शन फोर्स को ओवरकम कर देता है। ठीक है, उसी टाइप का फोर्स है, दैट इज न्यूक्लियर फोर्स। समझ आया सबको? यानी ठीक है, तो यही है, इसके बारे में आप लोग यहाँ से यहाँ तक लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आपको इतना भी समझ में आ रहा है कि ठीक है, चलिए। सो न्यूक्लियर फोर्स इज, इसकी करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। न्यूक्लियर फोर्स इज मच स्ट्रॉन्गर देन द कूलम्ब्स फोर्स एक्टिंग बिटवीन द चार्जेस और द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द मासेस। यानी ग्रेविटेशनल फोर्स से और रिपल्सिव फोर्स, कूलम्ब्स का रिपल्सिव फोर्स से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा कौन? न्यूक्लियर फोर्स। समझ आया सबको? नहीं आया बोलो। यस सर। ठीक है, सो न्यूक्लियर बाइंडिंग फोर्स हैज टू डोमिनेट ओवर द कूलम्ब रिपल्सिव फोर्स बिटवीन द प्रोटॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस। तो ये जो है न्यूक्लियर बाइंडिंग फोर्स, यानी न्यूक्लियर फोर्स डोमिनेट करेगा इसके ऊपर। ठीक है, द न्यूक्लियर फोर्स इज मच स्ट्रॉन्गर देन द कूलम्ब्स फोर्स, द ग्रेविटेशनल फोर्स इज मच वीकर देन द कूलम्ब फोर्स। हम लोग पढ़ चुके हैं ग्रेविटेशनल तो सबसे कमजोर होता है बेचारा। ठीक है, चलिए अब ये न्यूक्लियर फोर्स की करेक्टरिस्टिक्स देखी गई एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, ये न्यूक्लियर फोर्स धीरे, ये कब क्या होता है इसमें, इट टू न्यूक्लियस के बीच में इट फॉल्स रैपिडली टू जीरो एज द डिस्टेंस इज मोर देन फ्यू फेमटोमीटर्स। ठीक है, अगर है ना ये देखा गया कि कुछ फेमटोमीटर्स है ना, फेमटोमीटर्स को हम लोग FM से डिनोट करते हैं। ठीक, इनमें कुछ एक सेपरेशन देखा गया, ये जो सेपरेशन है वो कहीं दिया होगा 0.8 फेमटोमीटर। तो ये देखिए यहाँ पर कैसे ये ग्राफ भी है। ठीक है, ये इधर रेडियस है न्यूक्लियस का और इधर पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, ये देखा गया कि जो है ना क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फोर्स जो है जैसे जैसे इन दोनों के बीच का क्या बोलते हैं जो सेपरेशन है,
कुछ फेमटोमीटर अगर रहता है तो उस दोनों के बीच जो न्यूक्लियर फोर्स है वो ऑलमोस्ट जीरो के बराबर हो जाता है। मीन्स अगर इस कुछ फिक्स डिस्टेंस है उस डिस्टेंस के आसपास अगर हो जाता है तो न्यूक्लियर फोर्स ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है एंड दिस लीड्स टू सैचुरेशन ऑफ फोर्सेस इन अ मीडियम और अ लार्ज साइज न्यूक्लियस विच इज द रीजन फॉर द कॉन्स्टेंसी ऑफ द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। ठीक है, तो इसमें बस यही बोल रहा है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन या बाइंडिंग एनर्जी जो है वो उसको न्यूक्लियस को जो बाइंड करके रखता है, ठीक है, वो कॉन्स्टेंट इसलिए होता है क्योंकि ये जो न्यूक्लियर फोर्स है वो हमेशा एक्ट नहीं होता है, उसके कुछ सर्टेन जो है स्पेसिफिक डिस्टेंस तक वो वर्क करता है। ठीक है, सो ये पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस ये जो है डिस्टेंस का ग्राफ प्लॉट किया गया है यहाँ पर। ये देखिए, इसको दो तरीके से बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, उसको दोनों बताऊंगा मैं। सीधा आपको ये भी पूछा जा सकता है कि पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रेडियस, ये जो डिस्टेंस का ग्राफ प्लॉट करना है न्यूक्लियर फोर्स में, तो स्टार्टिंग में पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ज़्यादा है, फिर ये लगभग जब 0.8 FM फेमटोमीटर के बराबर आ जाता है, 0.8 FM के बराबर आ जाता है, तो ये धीरे धीरे डिक्रीज होते 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 कितने के बराबर आ जाएगा, ठीक है, जीरो के बराबर आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, समझ गए। और आर नॉट की वैल्यू जब 0.8 फर्म हुए उस समय मिनिमम हो जाता है, जीरो से भी कम, माइनस में पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में आ जाती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। दो बातें यहाँ पर, जब ये 0.8 FM के आसपास जब आता है उस समय में फोर्स जो है न्यूक्लियर फोर्स जीरो हो जाता है और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, -100 के आसपास हो जाएगी। ठीक है, समझे। और पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है वो भी कुछ लगभग 0.5 FM के आसपास, ये देख लीजिए आप डिस्टेंस 0.5 FM के आसपास में पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, लेकिन जब ये आर नॉट 0.8 FM के पास होगी उस समय में पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी और जो न्यूक्लियर फोर्स होगा वो ऑलमोस्ट जीरो होगा। और इसके बाद फिर ये इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, आर नॉट के बाद फिर से पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुई इंक्रीज हुई इंक्रीज हुई, फिर एक ऐसा टाइम आता है कि कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, यानी जब दो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच का सेपरेशन अगर हमारा 3 FM से ज़्यादा हो जाता है तो पोटेंशियल एनर्जी ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाती है। ठीक है, शुरुआत में डिक्रीज हो रही थी फिर इंक्रीज होगी फिर कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, अब इसी ग्राफ को है ना जो है CBSE दो तरीके से पूछती है, एक तो ये ग्राफ डायरेक्टली, दूसरा पूछता है कि इसमें है ना अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स को जो है आप हाईलाइट कीजिए। तो आप देख सकते हैं है ना अट्रैक्टिव कहाँ पे हो रहा होगा, इस जगह पे जब पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा हो रही है तो यहाँ पर क्या हो रहा होगा, रिपल्सिव हो रहा होगा। ठीक है, इस वाले रीजन में क्या हो रहा होगा, रिपल्सिव लग रहा होगा और बाद में फिर अट्रैक्टिव लग रहा होगा। दूसरे तरीके से पूछता है कि इसमें आप पॉजिटिव रीजन और नेगेटिव रीजन को हाईलाइट कीजिए। ठीक है, तो पॉजिटिव वाला क्या हो गया, यहाँ से इधर हो गया। ठीक है, यानी कि ये वाला जो रीजन है दिस इज पॉजिटिव रीजन और नेगेटिव रीजन आपका कौन सा हो गया, ये वाला रीजन। ठीक है, तो उसमें आपको लिख के दिखाना है दिस इज पॉजिटिव रीजन एंड दिस इज नेगेटिव रीजन जो पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो ये दो तरीके से आपको पूछा जाता है ये ग्राफ। ठीक है, सो अ रफ प्लॉट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू न्यूक्लियॉन्स एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस, द पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम एट अ डिस्टेंस आर नॉट एट अबाउट 0.8 FM। दिस मीन्स दैट फोर्स इज अट्रैक्टिव फॉर डिस्टेंस लार्जर देन 0.8 FM। ठीक है, हाँ, अट्रैक्टिव रिपल्सिव की भी बात करी, 0.8 FM से जब ज़्यादा होगा, ठीक है, तो उस समय में, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी यानी इसके बाद 0.8 FM के बाद जो ये रीजन है इस रीजन में क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स लग रहे होंगे। उस समय में जो फोर्स लग रहा होगा अट्रैक्टिव लग रहा होगा क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी कम है, और जब पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है इसका मतलब क्या है, वो अनस्टेबल है, अनस्टेबल है इसका मतलब क्या होगा, वहाँ पर अनस्टेबल है तो यानी कि वहाँ पर रिपल्सिव फोर्स लग रहा होगा। तो ये जो रीजन हो गया वो रिपल्सिव फोर्स वाला रीजन हो गया यहाँ तक। ठीक है, ये रीजन इधर से इधर आर नॉट से पहले रिपल्सिव और आर नॉट के बाद अट्रैक्टिव, और पॉजिटिव नेगेटिव आपने देखा, पॉजिटिव यहाँ से यहाँ तक और नेगेटिव यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो दो तरीके से ग्राफ बनाया जाता है, पूछा जाता है, समझ आ गया सबको। ठीक है, सो
क्योंकि अगर लेस देन 0.8 फेमटोमीटर है उससे पहले वो अट्रैक्टिव होगा, रिपल्सिव होगा, उसके बाद अट्रैक्टिव होगा. एंड द लास्ट पॉइंट इज द न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी लगेगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी लगेगा और प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी लगेगा. इट इज अप्रोक्सीमेटली द सेम एंड द न्यूक्लियर फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द इलेक्ट्रिक चार्ज. ये ध्यान में रखना आपको, न्यूक्लियर फोर्स चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है क्योंकि ये प्रोटॉन प्रोटॉन पे न्यूक्लियस के अंदर में लग रहा है ना, तो न्यूक्लियस में अनचार्ज पार्टिकल भी तो है. ठीक है, समझ गए? अरे बोलो. तो ये न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच भी लगेगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच भी और प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में लगेगा क्योंकि ये चार्ज पर है ना. यानी कि आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेम एनी फोर्स विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. ठीक है, तो कौन सा? न्यूक्लियर फोर्स. ठीक है, सो इस न्यूक्लियर फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए कोई भी मैथमेटिकल फॉर्म नहीं होता है. जैसे कूलम्स लॉ लगाते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाते हैं, तो वो उसमें न्यूक्लियर फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए कोई भी फार्मूला नहीं होता है. ठीक है, ये चीज को आपको ध्यान में रखना है. ठीक है, समझ आ गया सबको? तो ये सब बातें थी इसके ऊपर में, दैट इज न्यूक्लियर फोर्स आपका यहाँ से खत्म हो गया. तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को जरूर देखिएगा, इसमें ये वाला ग्राफ कई बार पूछा हुआ है, तो आप ग्राफ की प्रैक्टिस कर लीजिएगा. ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे 100 है, फिर 0 है, फिर यहाँ माइनस है, तो यहाँ पर इस जगह से ये नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी आ जाता है. और नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी, अच्छा इसमें अब दूसरी बात ये भी होती है, रिपल्सिव और अट्रैक्टिव कब होगा? जब पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है इसका मतलब रिपल्सिव है, और जब मिनिमम आ जाएगा फिर जब वो इंक्रीज करने लग जाता है इसका मतलब वो अट्रैक्टिव है. ठीक है, आर नॉट के बाद अट्रैक्टिव, आर नॉट से पहले रिपल्सिव. ठीक है, तो इस तरह से ये जो है टॉपिक था यहाँ तक कंप्लीट होता है. ठीक, कुछ पूछना है किसी को अगर, तो आप लोग बता सकते हैं. ठीक है, आज हम लोग इतना.